कर्नाटक में 12 मई को चुनाव होंगे, 15 को नतीजे आएंगे। एबीपी न्यूज का वादा है कि आप सबसे तेज और सटीक नतीजे 15 मई को इसी चैनल पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और सुनिए कर्नाटक जीतने के लिए कैसे सुपरहिट मुकाबला हो रहा है मोदी और राहुल के बीच। जी हां, मोदी और सिद्धरमैया के बीच, राहुल और अमित शाह के बीच। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने अपने अपनी जीत के दावे कर दिए हैं, और देखिए वो भी किस अंदाज में। देश की जनता ने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को विदाई कर दिया है। जब लोकसभा का चुनाव आया, 400 एमपी वाली कांग्रेस पार्टी 40 पर आकर के अटक गई। भाइयों, 40 पे आकर ये जनता का मिजाज है। भाइयों बहनों, देश के हर कोने में से कांग्रेस कर्नाटक में भी पक्का अब बच नहीं सकती। और आप देख लेना, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरा के दिखाएगी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम हरा के दिखाएंगे, और उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बना के दिखाएगी। और ये अब देखते हैं कर्नाटक चुनाव के दौरान पीपीपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की जुबानी जंग। दो दिन पहले मोदी ने कांग्रेस के लिए पीपीपी कहा था, सिद्धरमैया ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। 15 मई को कर्नाटक के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे, तो 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो पी 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 कांग्रेस बन जाएगी। पी 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 कांग्रेस यानि पंजाब पुडुचेरी परिवार कांग्रेस। नरेंद्र मोदी शुड ऑल्सो एक्सप्लेन टू पीपल ऑफ दिस कर्नाटका वाई इन उत्तर प्रदेश इन टू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज वेर योगी आदित्यनाथ वन बाय मार्जिन ऑफ 2 लाख वोट्स एंड ही लास्ट इन द बाय इलेक्शन, ही शुड एक्सप्लेन। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही लास्ट, ही शुड एक्सप्लेन वाई इन सम ऑफ द बाय इलेक्शंस दे आर लूजिंग, ही शुड एक्सप्लेन। सी इन कर्नाटका, वट एवर नरेंद्र मोदी सेज, कर्नाटका विल कम बैक टू पावर विथ क्लियर मेजॉरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान दावा किया कि वो कामदार हैं, जबकि राहुल गांधी नामदार हैं। कांग्रेस विकास की राह में रोड़े अटकाती है, जबकि बीजेपी उसकी रफ्तार तेज कर रही है। कांग्रेस की राजनीति विकास के आड़े रोड़े अटका रही है, और इसलिए आज भी वो रेलवे का प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। ये कांग्रेस का स्वभाव है, उनका चरित्र है, उनकी आदत है। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये काम हर विकास के काम में कर रहे हैं। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां पे हो सकता है। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जहां कांग्रेस और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को निशाने पर लिया, तो वहीं सिद्धरमैया भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। पहले मैं कहता था, हमारे मोदी जी भी कहते थे कि बीजेपी की आधी चल रही है कर्नाटक में, आधी चल रही है, मगर मैं आज कहना चाहता हूं बीजेपी की आधी नहीं चल रही है, बीजेपी की सुनामी चल रही है जो सिद्धरमैया को उठाकर फेंक देगी। सिद्धरमैया जी, कान खुले हैं, आंख खुली है, और अभी आप सो नहीं रहे हो,
तो जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप जितना बचाना है बचा लो, आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 तारीख को येदुरप्पा की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। See, Congress party in this assembly election with 100% will come back to power number one with clear majority. I am also winning in both the constituencies. My son is also winning in Varuna. Sir, all the three constituencies we are winning. Oh, dekhe, Congress aur Pakistan ki telepathy kaisi hai? यहाँ पर सिद्धरामैया टिपू 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 कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान सरकार भी टिपू 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 कर रही है। ये टेलीपैथी का राज क्या है? क्यों आपकी और पाकिस्तान की सोच एक समान है? आई एम वेरी मच हिंदू बट आई बिलीव इन सेक्युलरिज्म, आई बिलीव इन प्लूरलिज्म, आई रेस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज। दीज पीपल दे डोंट रेस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज, they are criminals, they are always trying to polarize the votes with Hinduism, Hindutva. Rahul Baba ko hai ki Siddaramaiya ji Congress ki naiya paar utayenge, usko jita de, to khud hi bhag jaye, wo ladai jita sakta hai? Siddaramaiya Chamundeshwari se bhag kar Badami aaye hai, Badami. अरे सिद्धरामैया कान खोल कर सुन लो, बादामी आने से बचोगे नहीं, बादामी में भी श्री रामलू आपको हराने हराएंगे। आई एम 100% कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट आई एम कॉन्फिडेंट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2 सीटों से चुनावी मैदान में है, जिसमें एक है मैसूर क्षेत्र की चामुंडेश्वरी सीट और दूसरी है बादामी। चामुंडेश्वरी सिद्धरमैया की पुरानी सीट रही है, जहां से वो 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। सिद्धरमैया को चुनौती उनके पुराने दोस्त से ही मिल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में दोबारा सत्ता हासिल करने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके ही विधानसभा क्षेत्र चामुंडेश्वरी में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। चामुंडेश्वरी में अपनी स्थिति खराब पाने की वजह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस शख्स को इसका क्रेडिट जाना चाहिए वो है जीटी देवगौड़ा। और इसके अलावा एक और तथ्य यह है कि देवगौड़ा साहब कभी सिद्धारमैया के पोल मैनेजर हुआ करते थे इस इलाके में, तब उनको जिताने के लिए काम करते थे, और फिलहाल सिद्धारमैया के सामने चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायक भी हैं। सीएम सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी इलाके से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन यहीं से 5 बार चुनाव जीता भी है। इस बार सिद्धारमैया के सामने उनके पुराने साथी जीटी देवगौड़ा मैदान में हैं और चुनौती दे रहे हैं। Fully neglected because of Chamundeshwari, because Chamundeshwari people is very promptly rejected Siddaramaiya. First one is Chamundeshwari constituency, Siddaramaiya is canvassing. People is not supporting because of going to Badami constituency, Siddaramaiya. No confidence in Chamundeshwari. And the reason is you. The fear factor is you. Yes, yes. Okay. मौजूदा विधायक और जेडीएस उम्मीदवार जीटी देवगौड़ा ने पिछले चुनाव यानी 2013 में महज 7,000 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन इस बार उनका दावा है कि जीत का अंतर और बढ़ेगा। By what margin you are expecting win in Chamundeshwari? All are expected minimum 20,000. नतीजे से पहले जीत का दावा तो हर नेता करता है, लेकिन दावे में कितना दम है इसके लिए चामुंडेश्वरी की जनता को सुनिए। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? जीटी देवगौड़ा। सिद्धारमैया को क्यों नहीं? नहीं करे, वो काम नहीं किया हुआ है, इसलिए 5 बार जीता भी प्रयोजन नहीं हुआ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जीटी देवगौड़ा। देवगौड़ा को यहाँ जेडीएस का बहुत, सिद्धारमैया का क्या भी नहीं चलेगा, कांग्रेस का भी नहीं चलेगा। अब जेडीएस, जेडीएस, अब सब जेडीएस, 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 जेडीएस।
लोगों की शिकायत है कि सिद्धारमैया ने क्षेत्र में विकास के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये और बात है कि मौजूदा विधायक तो जेडीएस के ही है। जेडीएस को जीत का भरोसा है और इस भरोसे के पीछे है चामुंडेश्वरी सीट पर वोकालीगा जाति की बड़ियाबाजी। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे एचडी देवगौड़ा भी वोकालीगा जाति से ही है। सिद्धारमैया अभी तक ये 5 साल हो गया, 1 साल भी नहीं आया। सिद्धारमैया को तो वोट ही नहीं दे रहे हो। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? इधर अच्छा काम होने के लिए हम लोग को जेडी देवगौड़ा को पूरा सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा जीटी देवगौड़ा और सिद्धारमैया के बीच में ही है। लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को अगर यहाँ से लड़ना था तो फिर वो ये सीट के साथ साथ बदामी से भी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जाहिर है चामुंडेश्वरी सीट पर मुद्दों से बड़ा फैक्टर जातीय समीकरण दिखता है। जहाँ जेडीएस को वोकालीगा समाज के वोटरों पर भरोसा है, तो इलाके में सीएम सिद्धारमैया की कुर्बा जाति के वोटरों की भी बड़ी तादाद है। इसके अलावा कांग्रेस को दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर भी भरोसा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति और लिंगायत वोटरों की भी जीत हार में अहम भूमिका होती है, जो जीत हार का समीकरण बना और बिगा सके। लेकिन सीएम सिद्धारमैया को भी अपनी दोनों सीटों पर जीत का पूरा यकीन है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे की सीट पर भी जीत का दावा किया। 100% will come back to power number one with clear majority. I am also winning in both the constituencies. My son is also winning in Varuna. Sir, all the three constituencies we are winning. फिलहाल सिद्धारमैया और देवेगौड़ा यानी दो पुराने दोस्त आज आमने सामने हैं और मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। मुकाबला बेहद कड़ा है, वरना जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहा होता है वहां लड़ाई ना के बराबर होती है, लेकिन चूंकि यहां पर मुख्यमंत्री के सामने जो उम्मीदवार है वो भी उतना ही ताकतवर है और इलाके में उसकी लोकप्रियता कहीं ज्यादा है मुख्यमंत्री से, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि चामुंडेश्वरी सीट पर सिद्धारमैया की गाड़ी फंसी हुई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।